पहला प्रश्न x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है, फलन मिला है x cos x, और दूसरे प्रश्न में हमें x sec square x ये फलन मिला है। तो हम पहले प्रश्न को लेते हैं, हम समाकलन को i के बराबर मान लेते हैं। तो माना i बराबर है इंटीग्रल x cos x dx के। अब यहां u इंटू वी के रूप में हमें यह फलन मिला है, और हम खंडशय की विधि से जानते हैं कि इंटीग्रल u इंटू वी dx ये होता है u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx इंटू इंटीग्रल v dx का dx। यह हमारा सूत्र है खंडशय की विधि से समाकलन करने के लिए। पहला या दूसरा हमें किस प्रकार से फलन लेना है उसके लिए हमारा तरीका है आइलेट का। अब इस फलन में देखें, x जो है वो बीजीय फलन है, a है, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक है, त्रिकोणमितीय फलन है, t है। तो पहले तो हमें x लेना है, फर्स्ट फंक्शन x, तो हमारा हो गया पहला फलन, cos x हमारा हो गया दूसरा फलन। समाकलन करें इस सूत्र से, तो i बराबर क्या हो जाएगा, पहले फलन को लिखा u, इंटीग्रल v dx, इंटीग्रल cos x dx माइनस इंटीग्रल, पहले का अवकलन करना है, x का अवकलन हो गया एक, इंटीग्रल cos x dx का dx, ये हमारा मान होगा। सरल करें, cos x, इंटीग्रल cos x हम जानते हैं sin x होता है, तो ये हो गया x इंटू साइन x माइनस इंटीग्रल एक इंटू साइन x, तो साइन x dx ये हमें प्राप्त हुआ। अब इंटीग्रल साइन x जो है वो होता है माइनस cos x, माइनस यहां पहले से ही है तो ये प्लस का हो जाएगा, x साइन x ये हमने एज इट इज ले लिया, माइनस यहां है, इंटीग्रल साइन x होता है माइनस cos x प्लस c, और जैसा हमने डिस्कस किया माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का हो जाएगा, ये मान हो गया x साइन x प्लस cos x प्लस c, ये हमारा अभिष्ट समाकलन का मान होगा, i का मान होगा। अब हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं, दूसरे प्रश्न में पुनः हम समाकलन को i के बराबर मान लें, तो i बराबर हो गया इंटीग्रल x इंटू sec स्क्वायर x dx। यहां पुनः हम पाते हैं कि x हमें पहला फलन लेना है, sec स्क्वायर x को हमें दूसरा फलन लेना है, पहले एलजेब्रिक लेंगे, बीजीय फलन लेंगे, उसके बाद दूसरा फलन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे, त्रिकोणमितीय फलन लेंगे। i तो हमारा हो गया x, फर्स्ट तो हमारा फलन हो गया x और दूसरा फलन हो गया sec स्क्वायर x। सूत्र का प्रयोग किया, u अर्थात x लिखा इंटू sec स्क्वायर x का समाकलन sec स्क्वायर x dx, माइनस यहां सूत्र में है इंटीग्रल x का, पुनः हमने अब अवकलन किया, x का अवकलन करा तो एक आ गया, इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx का dx यह हमें प्राप्त हुआ। अब हमारा मानक सूत्र है कि इंटीग्रल sec स्क्वायर x tan x होता है, तो ये हो गया x इंटू इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx, ये हमने लिख दिया tan x माइनस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को भी मैं tan x लिख दूं, एक से गुणा होगा, तो ये हो गया tan x dx। अब पुनः इंटीग्रल tan x, हमारा सूत्र क्या है, इंटीग्रल tan x dx बराबर log mod sec x प्लस c होता है, ये हमारा मानक सूत्र है, इसका हमने यहां पे प्रयोग किया, तो मान क्या हो जाएगा i का, x इंटू टेन एक्स माइनस
log mod sec x plus c, ये हमारा अभिष्ट i का मान हुआ। हमारा i का मान क्या हो गया, x into tan x minus log modulus sec x plus c।